सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ के कैंप क्रमांक 5 परिसर में एक गारमेंट दुकान से 2 बदमाशों ने 1,86,000 की नकदी लेकर फरार। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ न्यायालय ने उन्हें 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि मोहन वाधवा की यहाँ के कैंप क्रमांक 5 परिसर में जीन्स गारमेंट की दुकान है। 6 मार्च की दोपहर करीब 4 बजे मोहन अपनी दुकान में बैठा था कि एक युवक दुकान में ग्राहक बन के आया और मोहन को कहा कि तुम्हारी चप्पल को किसी अज्ञात ने गली में फेंक दी है। ये सुनते ही मोहन दुकान से बाहर आया और चप्पल उठाने के लिए गया, तो इसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने दुकान से 1,86,000 लेकर फरार हो गए। वहीं मोहन की शिकायत पर हिल लाइन पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी और आरोपी साहिल कुकरेजा और राजवीर सिंह लबाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायालय ने उन्हें 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। व्यापाराच्या गल्ल्यामधून काही पैसे चोरी झाले होते आणि ते चोरी घेऊन पळून जाताना काही सीसीटीव्ही फुटेज आले होते। त्या आरोपीचं काय झालं आणि त्या आरोपींना अटक करण्यात आली का? आता किती दिवसाची पीसी देण्यात आली? दिनांक 6 मार्च रोजी एक दुकानदार आहेत मोहन नामोलाल वाधवा, यांच्या दुकानातून ते स्वतः त्यांच्या दुकानात असताना दुकानामध्ये एक इसम आला। त्यांनी सांगितलं की दुकानदाराला सांगितलं की तुमचे चपला दूर पडलेले आहेत बघा। ते ज्यावेळी चपला बघायला गेले त्यावेळी त्यांनी ड्रॉवरमधले 1,86,000 रुपये चोरी केली आणि ते पळून गेले होते। तर हा आरोपी आमच्या रेकॉर्डरचा अशा प्रकारे गुन्हे करणारा असल्यामुळे आणि तो माहितीचा असल्यामुळे साहिल दयालाल कुकरेजा आणि राजवीर सिंग राजू सिंग लबाना ह्या 2 आरोपींना अटक करून त्यांची उद्यापर्यंत पोलीस कस्टडी घेण्यात आलेली आहे आणि कॅश असल्यामुळे त्यांच्याकडून कॅश रिकवर करावून घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि त्याचा तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल 26 पाटील हे करत आहेत।